ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹਨ। ਗਿਲਕੋ ਗਰੁੱਪ ਮੋਹਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। बीते कुछ दिन पहला ही पुलिस वालों कोलकाता विच दो गैंगस्टरां दा एनकाउंटर कीता गया, जिस दे बाद हुण अमृतसर विच भी कुछ गैंगस्टरां वालों कोई वड्डी वारदात नूं अंजाम देण दी कोशिश कीती जा रही सी, जिस दे चलदे गैंगस्टरां कोलों वड्डी मात्रा विच अमृतसर पुलिस ने असला बरामद कीता। मिली जानकारी मुताबिक अमृतसर दे पिंड कथू नंगल नज़दीक नाकेबंदी दौरान एक ते शक्की कार नूं रोकिया गया, जिस विचों वख-वख ब्रांड दे करीब 48 पिस्तौल अते कई जिंदा रौंद बरामद हुए ने, जिस तों बाद पुलिस ने कार चालक नूं गिरफ्तार कर लिया। उते ही पत्रकारां नाल गलबात करदे ADGP ने दस्या कि पुलिस नूं गुप्त सूचना मिली सी, जिस आधार ते पुलिस ने कथू नंगल नज़दीक नाकेबंदी कीती हुई सी, जिस दौरान जदों एक I-20 कार नूं रोकिया गया तो उस कार विचों दो बैग बरामद हुए, जिन्हां विच वख-वख कंपनियां दे करीब 48 पिस्तौल बरामद हुए। उते ही पुलिस ने दस्या कि कार चालक की पहचान जगजीत सिंह दे रूप विच हुई है, जिस नूं गिरफ्तार कर लिया गया। SSOC अमृतसर के पास बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी, जिसके बेसिस पे DSP हरविंदर सिंह, जो कि SSOC अमृतसर में पोस्टेड है, जिन्होंने कथू नंगल एरिया में नाका लगाया कल शाम को, और नाका लगाने के बाद वहाँ पे एक कार आ गई, I-20 कार, जिसका नंबर PB06AN7016 था। इस कार को इंटरसेप्ट किया, इस कार को इंटरसेप्ट करने के बाद में जब इसको चेक किया तो इस बैग में दो नायलॉन बैग्स थी, और उस नायलॉन बैग में 48 फॉरेन मेड पिस्टल्स थे, जिसमें 19 पिस्टल्स थे जिगाना के 9mm, 19 पिस्टल थे 30 बोर स्टार मार्क, 9 पिस्टल्स थे 30 बोर चाइना मेड, और एक पिस्टल था ब्रेटा। कल DSP हरविंदर सिंह ने, जो कि SSOC पोस्टेड है, 19 पिस्टल 9mm जिगाना, 37 मैगजीन्स और 45 राउंड्स, 19 पिस्टल्स 30 बोर स्टार मार्क, 38 मैगजीन्स, 148 राउंड्स, 9 पिस्टल्स 30 बोर मेड इन चाइना, 22 मैगजीन, एक पिस्टल 9mm ब्रेटा और दो मैगजीन। इस तों इलावा उन्होंने दस्सिया कि जगजीत सिंह दे लिंक विदेश विच बैठे दरमनजोत सिंह नाल सन, उते नाल ही उन्होंने दस्सिया कि जगजीत सिंह दे लिंक विदेश विच बैठे दरमनजोत सिंह नाल सन। जगजीत सिंह पहले दुबई विच रहिंदा सी अते कुछ समा पहला ही दुबई तो वापस पंजाब आया सी, जिस दौरान लगातार दरमनजोत सिंह दे नाल कॉन्टैक्ट विच सी, जो कि US विच रह रहा है। उस नाल मिलके एक ऐसे वड्डी वारदात नूं अंजाम देन जा रहा सी। पुलिस ने दस्या कि इन्हां ने इन्नी वड्डी मात्रा विच पिस्तौल जिस कोलों खरीदे ने अजे उसका खुलासा नहीं हो सकिया। जगजीत सिंह दा दूसरा साथी अजे पुलिस दी गिरफ्त तों बाहर है, उसनों गिरफ्तार करन तों बाद ही खुलासा हो सकेगा कि एड्डी वड्डी मात्रा विच पिस्तौल किस कोलों लैके आए ने, उन्हां इस नाल किस वारदात नूं अंजाम देना सी। फिलहाल पुलिस वालों जगजीत सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया गया है अते उसके खिलाफ वख-वख धाराएं तहत मामला दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि जगजीत सिंह दे साथी दरमनजोत सिंह ते पहला भी कई मामले दर्ज ने, लेकिन जगजीत सिंह ते अजे तक कोई भी मामला दर्ज नहीं है। पुलिस ने जगजीत सिंह दा एक हफ्ते दा रिमांड हासिल किया है, जिस दौरान उस तों बारीकी नाल पुछगिछ की जाएगी। इसके संबंध में हमने एक एक्यूज को अरेस्ट किया, जिसका नाम है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह की उम्र तकरीबन 25 साल है, और ये पुरिया कला पुलिस स्टेशन सदर बटाली का रहने वाला है। इसने जब प्रिलिमिनरी हमने इंट्रोगेशन करी है, उसने बताया कि उसका कॉन्टैक्ट एक दमनजोत
एलियस दर्मन कालो, ये यूएस में है और इसका जो विलेज है दर्मन ज्योत का, ये तलवंडी खुमान है। तलवंडी खुमान जो पुलिस स्टेशन कथुनंगल में है। तो दर्मन ज्योत का विलेज और जगजीत का विलेज ये तकरीबन आसपास ही है। इसने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जगजीत ये पहले दुबई रह चुका था 2017 से लेकर दिसंबर 2020 तक, और ये दिसंबर 2020 में वापस आया। यहाँ जब पंजाब में था तब भी ये दर्मन ज्योत के कांटेक्ट में था, और जब ये दुबई गया तब भी ये उसके कांटेक्ट में रहा है। जब ये उसके कांटेक्ट में आया तो उसने बताया कि तू कथुनंगल एरिया में जाके वहाँ से कुछ आपको मिलेगा कंसाइनमेंट, वो कंसाइनमेंट ले आओ। तो ये कल वहाँ पे चले गया शाम को। हमारे पास बड़ी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी और उसके बेसिस पे हमने वहाँ पे नाका लेट किया। इसमें स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा हमारे AIG SSOC मिस्टर उपिंदर गुमन, इनके सुपरविजन में DSP हरविंदर ने वहाँ पे नाका लगाया और हमें ये कामयाबी मिली। इसने फर्दर बताया कि ये जो वेपन्स हैं, ये बताया दर्मन ज्योत ने कि इसने कहीं कंसील करके रखना है और जब ज़रूरत पड़ेगी इसको यूज़ करना है। इसका फर्दर प्लान अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि अभी इसको अरेस्ट किया, अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद जब रिमांड पे आएगा तो फर्दर इसमें क्या प्लानिंग थी इसके बारे में पता लगेगा। जो दर्मन कालो है जो बाहर है US में, ये पता लगा है कि इसके संबंध कुछ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ हैं, जिनके मेंबर्स कनाडा में, US में, UK में हैं, पाकिस्तान में हैं, और इसने सारा प्लान किया था। और अभी इंट्रोगेशन में फर्दर इसकी प्लानिंग क्या थी इसके बारे में पता लगेगा। दर्मन ज्योत ये कुछ साल से US में है। इसने बटाला से एक गैंगस्टर जिसका नाम हरविंदर मन्नू है, इसको छुड़ाने की कोशिश करी थी और 2017 में इसके खिलाफ बटाला में पर्चा हुआ था। अभी दर्मन ज्योत एक PO है बटाला से। उसी तरह अभी रिसेंटली हमने SSOC अमृतसर में एक FIR करी थी 2020 में, जिसपे हमने 10 लोग अरेस्ट किए थे और उनके पास से 7 वेपन्स बरामद किए थे। कुछ दिन पहले उसी FIR में इसका नाम फिगर हुआ था कि इस वेपन्स की जो फंडिंग है वो दर्मन ज्योत ने करी थी और ये जो वेपन्स है ये MP से आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि दर्मन ज्योत के कॉन्टैक्ट MP के जो वेपन सप्लायर्स हैं उनके साथ भी है। जिक्र योग है कि पुलिस का कहना है कि ना गैंगस्टरों का राजनीतिक चोना नाल कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन चिंता का विषय है कि जदों ही चोना नजदीक आंदियां ने उदों ही इस तरह दियां घटनावां क्यों सामने आने लग जांदियां ने। अमृतसर तो PBC न्यूज लई गुरिंदर सिंह की रिपोर्ट। इना खबरां दे प्रयोजक हन गिलको ग्रुप मोहाली, तुहाडे लई लेके आए हन प्यार दियां इमारतां सच दी बुनियाद ते।